क्या बोल रही हो? सब देव दया है, कल्पना का देव है, इष्ट देव, भूमि देव। कितना तुझे सॉफ्ट हो तुम, इतना मम्मी का खुद चेहरा कितना प्यारा है, छोटा छोटा चेहरा, सुंदर सुंदर, क्यूट क्यूट, और हम तीनों को अपने पकौड़े जैसी नाक दे दी है। ये नाक देखो, मेरी भी पकौड़ी है। हाँ तो तुम्हारी पकौड़े, पापा की नाक हमें इतनी सुंदर लगती है ना, तोते जैसी, इतनी बिल्कुल प्यारी प्यारी सी। हम तीनों से किसी की पापा इस पर नाक नहीं गई, सबकी मम्मी पे गई है पकौड़े, इतने बड़े बड़े चेहरे में पकौड़े हैं तीनों के। ठीक है, फिर खुद का चेहरा प्यारा प्यारा और हमें अपना ये ऐसा चेहरा दे दिया। हाँ बना उसको, बस मम्मी से एक बाल मुझे अच्छा है इतना। अपने से प्यार कर, वाह, खुद से प्यार कर, तेरे को सब कुछ अच्छा लगेगा। वाह गाइस, क्या गहरी बात बोले मम्मी ने, खुद से प्यार करो सब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, ऐसा होता है? होता है क्या होता? मेरे को तो, मैं खुद करके तो देख। नहीं यार, सोच क्या बात है, मम्मी बहुत अच्छी बात बोली आपने, खुद से प्यार करो सब अच्छा लगेगा। मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। मेरी आवाज सुन के कैसे आते हैं, अरे कितना खुश बाबू, कितना खुश बाबू। एक तो इधर दिन भर काम करती रहती, मैंने मैंने सुबह लगाया था ना झाड़ू, मम्मी दिन में दो दो बार झाड़ू, दिन में चार चार बार झाड़ू। चांदू जय चुमू आ गई रे, जी चुमू, अब मेरा जय जो आ गया ले, वो कितना सुंदर बाबू रे, कितना सुंदर मोटा भी आया रे, इनको खाना दे दो मम्मी। ओ जैचू कितना सुंदर हूँ मैं, बोल दे मैं तो कितनी सुंदर कुत्ता हूँ। हाँ इनको दे दो, पता है मम्मी तुम कितना पुण्य का काम कर रही हो ऐसे खिला के, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर लोग करते नहीं है ऐसा, पता है लोग ना इतने नहीं, बहुत बहुत करते हैं, कम लोग करते हैं, करते हैं कम लोग करते हैं, पर आप ये करके बहुत पुण्य का काम कर रही हो। मतलब दोस्तों बेजुबान जानवर को खिलाना सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है, पता है, क्योंकि बेजुबान है ना, कुछ बोल नहीं सकते। तो सोचो कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग भी, अगर आप करते हैं ऐसा, और अगर आप नहीं करते हैं किसी भी कारण, यू नो इग्नोर कर देते हैं आप, बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते हैं, आसपास आपके कुत्ते हैं, तो मम्मी मम्मी माँ बेटी के बीच में पड़ी, उसको नहीं खाने दे रहा, कोई बात नहीं, उसका पेट भर जाएगा, उसकी माँ का भी भर जाएगा। सो आप लोग भी गाइस प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आपके घर के आसपास जो भी जानवर है, बेजुबान कुत्ते बिल्ली है ना, दिन में एक बार तो ज्यादा नहीं, दो तीन रोटी उनको भी खिला दो, क्या ही जाता है, रोटियां बनाते हैं, दो रोटी और बना दी, थोड़ा सा दूध दे दिया, एक घूट दो घूट, है ना, तो कितना पुण्य का काम करेंगे आप, सोचो स्वर्ग में जाएंगे ना सीधे आपको, मतलब लिटरली यू विल गो इन हेवन, यू विल हैव सो मच, कितने सारे आपको गुड पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, तो भगवान जी के भी आप फेवरेट बनेंगे। तो हमें ऐसे बेजुबान जानवरों की तो एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए स्वर्ग सब उनको भी मिलेगा। अरे मैं, मेरे को तो होप सो मिले, अच्छे काम तो करती हूँ मैं, बाकी देखो, और आपको तो मिलेगा जरूर, आपको तो जरूर मिलेगा, और किसी को मिले ना मिले। चंदनी इसका चेहरा देखो, इंसान की तरह नहीं लगता गाइस, कुछ नहीं है बेटा मेरे पास, कितना सुंदर डॉगी हूँ मैं, बोल दो, ओ वाह वाह। और इसको पता नहीं यार किसी टाइप की ना बीमारी हो रखी है, यहाँ पे देखो इसका शरीर गल सा रहा है, उधर भी एक बार गड्ढा पड़ा था। चलो मैं जा रही हूँ मम्मी, बाय बाय टिंकी, जा बाय, जा मत दो मम्मी बिस्किट, मत दो, फिर बिस्किट के लिए आएंगे, दूध रोटी खा तो रहे हैं। लो भाई चले गए, हेलो हेलो, साइड में, साइड हो, साइड हो, साइड हो, गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ आती है, हमारे मामा के घर का कुत्ता है, इतना सुंदर डॉगी है, इतना सुंदर डॉगी है, इतना कुत्ती। गैस करो गाइस अभी मैं कहाँ पर हूँ, फैंसी नो, आई एम गुड। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, फाइनली क्लीनिंग वाला मौसम आ गया, बॉडी क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग। तो मैं थोड़ा सा वैक्सीन वैक्सिंग कराने के लिए आई थी, अब पूरा मतलब मैं सर्दी में वैक्सीन कराती हूँ, तो मेरे भगवान ने, भगवान की दया से मेरे जीन्स जो है, मेरे पिताश्री से मुझे जो जीन्स मिले हैं, तो मेरे पापा जी के पास अनिल कपूर के जीन्स हैं, और पिताश्री की वजह से मुझे वो जीन्स मिले हैं, तो मतलब बाल, पापा के बहुत बाल हैं, बहुत मतलब बहुत हेयरी है पापा, लिटरली अनिल कपूर है ना अपने यंग डेज में, पापा वैसे ही हैं, बहुत बाल है पापा के छाती में, मतलब हम लिटरली मैंने मक्खी और मच्छर को पापा के बालों में घूमते हुए देखा है, कसम से कह रही हूँ। और हर वही चीज़ हर्षित के आई है, हर्षित के भी इतने बाल हैं हाथ पाँव में, तो हर्षित के भी पाँव में बहुत बाल है, तो मैंने हर्षित के पाँव में बाल मक्खियों को घूमते हुए देखा है, सो वो चीज़ मेरे उतने नहीं आई थैंकफुली लड़कियों में, अगर आगे होती तो भाई साहब, लेकिन स्टिल आई है कंपेरेटिवली और लड़की के हिसाब से, मेरे थोड़े बाल हाथ पाँव में रहते हैं, तो बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग कराने के लिए आया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आप लोग को, जानना जरूरी है। लेकिन प्रीति नो मतलब हल्द्वानी में भी इतनी फैंसी
आउटलेट सैलॉन्स खुल गए, वरना यूजुअली ये दिल्ली में मिलता है, वेरी प्रिटी। सो मैं अभी वापसी में रास्ते से थोड़ा सा कीनू और फ्रूट्स ले रही थी, और मैंने पिया नारियल का जूस। जैस्मिन को हमने कहा दिया, क्या दिया जैसु, कैसा हो रहा है बिस्कुट? इधर देखो जरा, तुम इधर देखो, सबको बोल दो मैं कितनी सुंदर हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरी मम्मा के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बोलो, खा लिया बाबू, बस इतना ही था। दो दो बिस्किट खाएंगे ना रोज, इतना सारा नहीं खाना। मेरा ना संतरे और कीनू से ना बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब आई लव फ्रूट्स। मेरा फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज, ओके, माल्टा ऑरेंज, वट एवर। तो मैं जब भी सर्दियों में बहुत जूस पीती हूँ मेरे जूस मेकर से बना के ना, तो मैं रोज दो दो तीन तीन किलो लेके आ जाती हूँ मतलब। तो अभी देखो मैं 4 किलो भी कीनू लेकर आई हूँ। मैं भी आपको मम्मी का जेन्युइन रिएक्शन दिखाऊंगी, अगर कैमरा ना हो, मम्मी को ना पता लगे ब्लॉग वाले, तो जेन्युइन रिएक्शन देगी मम्मी, विच इज तेरा फिर तुम कीनू लेके आ गए थे, मतलब व्हाटएवर, मतलब उल्टा ही बोलेगी। अभी देखना मम्मी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई, ये देखो मम्मी, रियल रिएक्शन दो ना, भूल जाओ कैमरा। खत्म हो गया ना मम्मी, वो जूस बना के पी गए, एक दिन का जूस बचा है बस। तो मैं फिर से ले आया 4 किलो जूस, पियेंगे जूस पियेंगे। चाय से कीनू का सीजन जा ही रहा है, ये थोड़ा महंगा दिया, 100 रुपए का 2 किलो नहीं हो पाएगी पतली ये पतले के लिए नहीं मम्मी, ये स्किन स्किन में ग्लो के लिए और अच्छे उसके लिए, सब चीज ग्लो ग्लो है ना, मेरा देखा ग्लो, आय हाय हाय, सुंदर विश्व सुंदरी, रोटी चावल खा के ग्लो है। कैसे आता है फिर मम्मी बताओ, आपके चेहरे में ये ग्लो, इस ग्लो का राज क्या है बता दो दर्शकों को। रोटी चावल खाते हो सुबह से, काम करते हो शाम तक, उससे ग्लो थोड़ी आता है, फिर उसी से आता है ना। देखिए अभी रात को खाने की तैयारी हो रही है, मम्मी खाने में क्या बनाया, प्लीज मत बोलना आलू मटर, आलू मटर है, आलू मटर ही है, पहले पालक है। अरे बहुत बढ़िया, मैं पालक के साथ खाऊंगी, आई डोंट लाइक आलू मटर, मतलब मैं हर सब्जी खा लेती हूँ, ये भी खाती हूँ, बट आलू मटर से मेरे को एक अजीब सा कुछ होता है, मतलब आलू मटर से मेरी भूख मर जाती है, कुछ नहीं खाती मैं, मतलब मुझे ना बॉइल्ड पोटैटोज नहीं पसंद, आलू के गुटके भी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब गाजर है, आलू की खुशबू आ रही है मेरे को सीटी से, आलू मैंने पूरे ये आगे ना लाइन पे, सोचो मेरी नाक इतनी तेज है कि मुझे ना आलू की खुशबू आ जाती है, तो मतलब आई डोंट लाइक बॉइल्ड पोटैटोस, आलू को, हाँ मेरे कुत्ते की नाक तो एक है और कान भी है मेरे बहुत तेज, तो मेरा कहना है कि जैसे आप आलू को उबाल के अगर जीरे में तड़का मारोगे या किसी में, वो मुझसे इतना नहीं खाया जाता, रादर देन कच्चा आलू को काट के जीरे में तड़का मारोगे वो मैं पूरा खा लूंगी, बॉइल्ड आलू नहीं खा पाती मैं अपना, इवन गुटके भी, मतलब भूख अगर लगी हो तब मैं गुटके खा लूंगी, थोड़ा चटनी के साथ, चटनी होनी चाहिए, वरना गुटके भी मैं बहुत ज्यादा नहीं खा पाती, तो बॉयल आलू से मेरा कुछ तो मतलब है रिश्ता पुराना। सो गाइस ये था मेरा आज का दिन, डू लेट मी नो कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट्स करके बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का ऐसे बटन होगा यहाँ पे वो दबा दो, शेयर का बटन आपको आता ही है, वो तो आजकल सब एडवांस हो गए मम्मी पापा लोग शेयर करने में, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दो, और एक ऐसे घंटी जैसी होगी उसको दबा दो, है ना। तो कल मुलाकात करते हैं, बाकी मैं अभी थोड़ा बहुत ही देखिए एक लाइव सेशन अटेंड कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी मैं, चलिए मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप भी जो कर रहे हैं मन लगा के करिए, आई विल मीट यू टुमारो, ध्यान रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए गाइस, बाय बाय।